वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय षष्ठ खंड का विचार प्रारंभ हुआ। पुत्रादि ऐश्वर्य रूपी एक देश विषय को उपासना को कहने के बाद समग्र ऐश्वर्य रूपी फल की प्राप्ति के लिए बक्षमाण उपासना कही जा रही है, जो कि ज्योतिष्टम जाक में जो अधिकारी हो। इसलिए आनंद गिरी महाराज ने कहा कि ज्योतिष्टमादो अधिकृतस्य। अधिदेव और अध्यात्म का विभाग करके अधिदेव है आदित्य में रहने वाला पुरुष और अध्यात्म है चक्षु में रहने वाला पुरुष परमात्मा है। इसी को लेकर ब्रह्मसूत्र में विचार है प्रथम अध्याय में। तो प्रथम मंत्र हो गया था, तो वो प्रधान उपासना है आदित्य में परमात्मा की उपासना और उसके अंग के रूप से उपासना ये है। अंग अंगी प्रधान के लिए होता है। ऋग में पृथ्वी, साम में अग्नि, दोनों में आधार आधेय भाव है। ऋचा और साम में आधार आधेय भाव होता है और पृथ्वी और अग्नि में भी आधार आधेय भाव होता है। इसलिए पृथ्वी सा है, अग्नि अम है, दोनों मिलकर के साम हुए। दोनों में अभेद है, जैसे तंतु और पट में अभेद है मीमांसा वेदांत के अनुसार, यहां पर भी ऐसा हुआ।
भाष्य में देखो यमेव पृथ्वी, मंत्र में आया यम, यम से यहां पर पृथ्वी को ही लेनी है। यमेव ये जो पृथ्वी है प्रत्यक्ष, उसकी दृष्टि करनी है ऋक्, टीका में है पृथिव्याम ऋक् दृष्टिर अत्र न इष्टा कर्मांगस्य संस्कृतव्यत्वात् इति अहिप्रत्याह रिचि। तो पृथ्वी में अग्नि की दृष्टि यहाँ पर नहीं करनी है, ये अभिष्ट नहीं है। क्यों अभिष्ट नहीं है? बोलते हैं कि यहाँ पर ऋचा में पृथ्वी की दृष्टि करने से क्या होगा, कर्म का जो अंग है ऋच ऋक् मंत्र, वो इसका संस्कार होता है, क्योंकि मंत्र से कर्म का अनुष्ठान होता है। इसलिए टीकाकार ने कहा कर्मांगस्य संस्कर्तव्यत्वात्, कर्म का अंग का संस्कार करना है, संस्कार करने योग्य है कर्मांग है, इसीलिए ऋचा में पृथ्वी की दृष्टि होती है, ऐसा अभिप्राय करके भगवान भाष्यकार लिखते हैं पृथ्वी में ऋक् की दृष्टि नहीं अपितु ऋचि पृथ्वी दृष्टि कारया, ऋचा में पृथ्वी की दृष्टि करनी चाहिए, कारया कर्तुम योग्या इति कारया, योग्य अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय है कारया। अचो यत से यत प्रत्यय होता है ना, यत कृत्य संज्ञा होती है। इसी प्रकार से आगे भी है, टीका है ऋचि यथा पृथ्वी दृष्टि ही, ऋचा में जैसे पृथ्वी की दृष्टि करने योग्य है, इसी प्रकार अनंतर वाक्य विहिता, अनंतर वाक्य जो यही है अग्निशामा, उसमें विधान किया गया, दृष्टि का विधान है, ये लिखते हैं तथा अग्नि ही सामा इत्यत्र अग्नि दृष्टि ही सामने विधीयते, क्योंकि साम जो है कर्म का अंग होता है, इसलिए अग्नि की दृष्टि करनी है संस्कार के लिए, अग्नि दृष्टि ही सामने विधीयते, विधेय है अग्नि की दृष्टि। पूर्ववत पहले की तरह, पहले की तरह मतलब क्या है, कर्म का अंग संस्कार होगा इसलिए है, तथा बोल रहे भाष्य में तथा अग्नि ही साम, इसलिए अग्नि साम है, मतलब साम में अग्नि की दृष्टि। आगे लिखते हैं सामनी अग्नि दृष्टि ही कार्या, कार्या शब्द का यहाँ पर अनुवृत्ति लाओ, ऋचि पृथ्वी दृष्टि कार्या भाष्य में है, यहाँ पर भी सामनी अग्नि दृष्टि ही कार्या, सामन शब्द नकारांत, सप्तमी एक वचन में सामनी अल्लोपो नाह, अन में अकार का लोप हो गया तो सामनी होगा। रिक्तम पृथिव्याः सामत्तम च अग्नेर अप्रसिद्धम, लेकिन ये तो कहीं प्रसिद्धि है ही नहीं कि जो है पृथ्वी में रिक्त तो है, मतलब पृथ्वी को ऋक् बोलते हैं और अग्नि में सामत्व है, ये तो कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं। इस अभिप्राय से पूछता है कथम, भाष्य में प्रथम ये कथम पृथिव्यग्नोर, पृथिव्यग्नोर ऋक् सामत्तम, मतलब ऋग और साम पृथ्वी अग्नि कैसे हुए, ये तो कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं। उत्तर दिया जा रहा है टीका में दिया ऋक् सामत्व सिद्धौ इति उत्तरम आह,
विच्छेद करना है। ऋग सामत सिद्धौ इति उत्तरम आह, ओ को आप हो गए, अचो यवा यावा से आप हो गए। ऋग और शाम टिप्पणी में दिया है, पाठ तो ऐसा होना चाहिए, टिप्पणीकार के अनुसार ऋग साम सामत सिद्धेर इति युक्तम, मतलब इति पाठ युक्तम, ऐसा पाठ होना चाहिए आनंद गिरि जी में, है ना? क्योंकि आनंद गिरि में दिया है ऋग सामत्व और ये बोलते हैं ऋग साम समत्व, ऐसा होना चाहिए, मतलब साम के बाद समत्व होना चाहिए पाठ। तात्पर्य क्या हुआ, ऋग के समान पृथ्वी है और शाम के समान क्या है, अग्नि है ना, इसीलिए उत्तर दिया जा रहा है उच्चते शब्द से। तदेतत् अग्न्याख्यम शाम, अग्नि रूप जो शाम है, एतस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में रिचि अधुड़म, क्योंकि जो है ऋग तो पृथ्वी रूप हुआ ना, इसलिए रिचि अधुड़म, ऋचा में अधुड़ा होकर के अधिगतम को स्थित है कौन, साम, जैसे पृथ्वी में स्थित है अग्नि, इसमें ऋचा में आरूढ़ होकर के साम ज्ञान किया जाता है, इसलिए ऋचा साम में अधिगत है, स्थित है, उपरी भावेन स्थितम इत्यर्थ, इसलिए कहा रिचि व साम। तात्पर्य यह है तयोर आधार आधेय भाव, ये तात्पर्य दोनों में आधार आधेय भाव है, पृथ्वी और अग्नि में आधार आधेय भाव है और ऋचा और शाम में आधार आधेय भाव है। ऋचा में आरूढ़ होकर के ही सामगान करने वाले सामगान करते हो, जैसे कोई भी संगीत होता है वो सारे गामा जो स्वर है वो स्वर में आरूढ़ होकर के ही गान किया जाता है, ऐसा यहाँ पर ऋचा में ही आरूढ़ होकर ही सामगान करते हैं, इसलिए दोनों में आधार आधेय भाव है। तयोर आधार आधेय भावे गमकम दर्शयति तस्मात्, इसलिए भाष्य में अतीव कारणात् ऋचि अधूढ़म एव सामगियते, ऋचा और साम में आधार आधेय भाव है, इसी कारण से ऋचि अधूढ़म एव साम, ऋचा में अधूढ़ होता है मला स्थित होता है साम, और ऐसे शाम का गान किया जाता है। तो पहले करते होंगे, नहीं अभी भी, लेकिन कम सुनने को मिलता है, शाम गान करने वाले कम, शाम वेद पढ़ने वाले कम मिलते हैं, लेकिन है अभी भी है। इदानिम अपि शाम गई ही, अभी भी शाम गान करने वाले ऋचा में ही आरूढ़ होकर के शाम का गान करते हैं। तो ऋचि पृथ्वी दृष्टि, ऋग में जो है पृथ्वी की दृष्टि करते हैं, और सामने च अग्नि दृष्टि, साम में अग्नि की दृष्टि करते हैं। इत्यत्र इसके विषय में हेत्वांतर और भी के हेतु बता रहे, तथाच ऋग सामनी न अत्यंतम भिन्न, देखो नारा बोलते हैं कि ऋग और साम ये अत्यंत भिन्न नहीं होता है, इसी प्रकार परस्पर में अन्योन्यम परस्पर में अत्यंत भिन्न नहीं है, तथा ये दोनों भी एतो पृथ्वी अग्नि, प्रथमादि वचन पृथ्वी और अग्नि में भी अत्यंत भेद नहीं है। हम
भेद ये मानेंगे तो फिर जो है दोनों में आधार आधेय भाव नहीं होगा, कार्यकरण भाव होगा नहीं, इसलिए बोलते हैं। टीका में देखो थोड़ा सा, पृथ्वी अग्नि और अत्यंत भेदाभाव, अत्यंत भेद नहीं होता है, भेद का अभाव है, इसको प्रश्न पूर्वकम प्रकट होते, इसको प्रश्न करके उसको स्पष्ट करते हैं। ये आक्षेपस्य समाधानम, आक्षेप फिर समाधान करते हो, यही व्याख्यान है। इसलिए कहते हैं कथम, भाष्यमय कथम, थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाओ कथम, मतलब दोनों में जो है अत्यंत अभेद कैसे है, मतलब इयमेव पृथ्वी, यही जो पृथ्वी है ना, सा, ये पृथ्वी को सा बोल दिया, मंत्र में था ना पृथ्वी है सा, इयमेव सा, ये मंत्र में था, ये पृथ्वी सा है, वो सा कौन हो गया, साम के आधा हो गया, साम में आधा, एक अक्षर है सा, है ना, तो साम नाम अर्ध शब्द वाच्या, साम हो गया संपूर्ण, उसका अर्ध शब्द हो गया सा, है कि नहीं, इसलिए साम नाम अर्ध शब्द वाच्या वो है सा, और इतरार्ध शब्दवाच्यो अग्नि, दूसरा आधा भाग कौन हो गया, अम हो गया, अग्नि है, अग्निर अमह, तदेतत् पृथ्वी अग्निद्वयम्, ये देखो पृथ्वी और अग्नि ये दो मिलकर कौन हो गए, साम सा और अम, इसलिए साम एक शब्द अवधेयत्वम आपन्नम साम, एक शब्द के वाच्यत्व को प्राप्त किया कौन, सा और अम मिलकर साम हो गया, साम एक शब्द का अर्थ हुआ, साम शब्द का अर्थ हुआ मिलकर के। तस्मात इसलिए जो है न अन्योन्यम भिन्नम, इसलिए अत्यंत भिन्न नहीं है पृथ्वी अग्निद्वयम्, पृथ्वी और अग्नि मिलकर के, तात्पर्य नित्य संश्लिष्टम, इसलिए दोनों नित्य संश्लिष्ट, नित्य संबद्ध है, मिल करके रहते हैं, जैसे ऋक सामनी इव, ऋचा और साम जैसे दोनों में नित्य संबंध है, इसी प्रकार पृथ्वी और अग्नि में नित्य संबंध है। तो तात्पर्य ये है, थोड़ी टीका ले लो, कर्मांगयोः सह प्रयोगात्, कर्म के अंग हो गए ऋग और साम, दोनों का साथ प्रयोग होता है, सामगान करेगा और ऋचा ना हो ऐसे नहीं है, सामगान करेगा तो ऋचा तो रहती है, इसलिए कर्मांगयोः सह प्रयोगात्, कर्म के अंग कौन हो गए, ऋग और साम, ये कर्म के अंग है, ये कहते हैं, इसलिए ऋक् सामयो हो, ऋक् सामयो हो कर्मांगयो, उदाहरण है सह प्रयोगात, लेकिन ये जो ऋक् सामयो हो बनाना, ये तो सामन शब्द है, नकारांत है ना, तो नकारांत सामन का जो है षष्ठी द्विवचन, ये तो ऋक् सामयो तो नहीं बनेगा, इसलिए पहले समास कर लो ना, ऋक् च साम च इति ऋक् सामौ, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, कैसे, समासांत अच प्रत्यय होता है, दो नंबर टिप्पणी में दिया है, ऋक् सामयोर इति अचतुर बिचतुर, ये सूत्र है सिद्धांत कुमती में, ये सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, क्या होगा, समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा, ऋक् सामन शब्द होगा ना, है ना, समास करने पर ऋक् सामन हो जाएगा, चकार उककार हो जाएगा चोकू, तो ऋक् सामन आगे क्या हुआ, अच,
औचका रहेगा अ और टी का लोप कर दो तो क्या बनेगा, रिक साम हो जाएगा। ठीक है, रिक्सा ऑन का लोप हो गया ना, और मकार को जोड़ दो कहाँ पर, अकार में जोड़ दो तो बन जाएगा रिक्साम। षष्ठी द्विवचन में रिक्साम यो हो, ये होता है। तो रिक्सामयो हो अन्योन्य व्यभिचारात्, अन्योन्यम अव्यभिचारात्, दोनों में व्यभिचार नहीं होता है ना, तो रिक्साम तो मिलकर ही रहते हैं। न अत्यंत भेद, अत्यंत भेद रिक और साम में नहीं होता है। तथा पृथ्वी अग्नि और, इसी प्रकार पृथ्वी और अग्नि में भी ऐसा ही है। इसलिए क्या हुआ, एक शब्द वाच्यत्वात्, इसलिए मिल करके दोनों को क्या कहा, साम कह दिया, पृथ्वी अग्नि मिलकर साम है। न अत्यंतम भिन्नता, तो लिग साम जैसे लिग और साम में अत्यंत भिन्नता नहीं, और पृथ्वी अग्नि में भी अत्यंत भिन्नता नहीं है। तयोर अत्यंत भेदाभावे, दोनों में अत्यंत भेद न होने से फलितम, क्या फलित अर्थ निकलेगा, बोलते हैं कि तस्मांच पृथ्वी अग्न्योर ऋक् सामत्वम इत्यर्थ। ऋक् का जो है पृथ्वी है, और साम कौन, अग्नि है। तो ये तो विचार हो गया, थोड़ी टीका है, स्पष्टीकरण दिया है। पृथ्वी को सा बोल दिया, नहीं यमेव सा, और अग्निर आमा, तो सा शब्द का प्रयोग क्यों किया, सौ बोल देते, बोलते हैं कि पृथ्वी सा शब्द वाच्य स्त्रीत्वात्, क्या नहीं, तत्शब्द का पुलिंग में क्या होगा, प्रथम सह बनेगा, स्त्रीलिंग में सा बनेगा, क्योंकि पृथ्वी शब्द का प्रयोग जो होता है स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए श्रुति में सह न बोल क्या कहा, सा कहा, पृथ्वी सा शब्द वाच्या, सा शब्द का अर्थ पृथ्वी हुआ, क्यों हुआ, स्त्रीत्वा, त्रिलिंग विशिष्ट है पृथ्वी। और अग्नि को बोल दिया अमा, अकारांत है ना, अमा देखो, अमा बोल दिया प्रथम एक वचन, तो यहाँ पर अम क्यों कहा, बोले पुंस्त्वा, पुलिंग विशिष्ट शब्द होते अग्नि, इसलिए अम कहा, ऐसा समझना चाहिए द्रष्टव्यम। ये तो विचार हो गया, और एक पक्षांतर को उठा करके, ये तो एक पक्ष हो गया कि जो है ऋग में पृथ्वी की दृष्टि और साम में अग्नि की दृष्टि, लेकिन कुछ महापुरुष लोग ऐसे भी करते हैं, इसका मंत्र का इसको दिखा रहा है, पक्षांतरम उत्थाप्य अंगी करोते, दूसरा एक पक्ष को उठा करके उसको स्वीकार भी कर रहा है, ये भी हो सकता है अंगी करोते। भाष्यकार क्या लिखते हैं, साम अक्षर यो हो, दो अक्षर है ना, एक सा और एक अम, दो अक्षर हो गए सा और अम, एक शब्द सा हो गया, दूसरा हो गया अम हो गया, अक्षर शब्द पृथ्वी अग्नि दृष्टि विधानार्थम है, देखो इसमें है पृथ्वी अग्नि की दृष्टि करनी है, मतलब सा में पृथ्वी की दृष्टि और अम में अग्नि की दृष्टि, ये भी विधान हो सकता है, ये बोलते हैं ऐसे विधानार्थम, विधान करने के लिए यमेव सा अग्निर अमः, ऐसा बोलते हैं, यमेव सा का ना, मतलब सा शब्द में पृथ्वी की दृष्टि, ये विधान होगा, और अम शब्द में अग्नि की दृष्टि, ये विधान होगा। इति केचित, केचित विद्वांस, ऐसा कुछ विद्वान लोग मानते हैं। और बाकी मंत्र में तो अर्थ एक बिल्कुल समान ही है, मंत्र देखा जाए, अंतरिक्ष मेव रेक वायुः साम
तदेतत् एतस्याम् रुचि अधूरम साम। तस्मा रुचि अधूरम साम गीयते। अंतरिक्षमेव सा वायुरमस तत्साम। देखो यहाँ पर ऋचा में अंतरिक्ष दृष्टि और साम में वायु की दृष्टि, और उसी ऋचा में आरूढ़ होकर के साम हो रहता है। ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान करते हैं साम का लोग। और अंतरिक्ष में वह सा, ये सा है अंतरिक्ष है, और क्या है अम वायु है, मिलाकर क्या हुआ है साम। यहाँ पर भी आधार आधा जवाब होगा पहले की तरह अर्थ। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं अंतरिक्ष में व ऋग वायुर साम इत्यादि पूर्ववत। पूर्ववत कहने से पूरा मंत्र में जैसा समझे ऐसा यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। दोनों में आधार आदि अभाव होगा, यही प्राय। द्योर एव रेग आदित्यः साम तद एतद एतस्याम रुचि अधूढ़ं साम। तस्मा रुचि अधूढ़ं साम गीयते। द्यौरेव सा आदित्य आदित्यो मह तत्साम। तो ऋग में देव, देव लोग सर्ग, और साम में कौन आदित्य है ना। और वही देखो तो ऋग रूपी देवलोक में साम रूपी आदित्य है। ठीक है, ये तो चलता है ठीक है। और जो है आधा अक्षर देखो सा हो गया देव, और अम कौन है आदित्य, मिल करके क्या वो शाम हो गया। दोनों में अभेद है, अभेद मान करके मिला जाए तो शाम हो गया और तत्व पहले की तरह है। चतुर्थ मंत्र है नक्षत्राणि एव रेक चंद्रमाः साम तदेतत् एतस्याम् रुचि अधूरम साम। तस्मा रुचि अधूरम साम गीयते। नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अमस तत्साम। यहाँ पर देखो ये सब अंग ना है, रीक है साम है, ये अंग है, तो उसमें दृष्टि करेंगे तो उसका संस्कार होता है, संस्कार संस्कार रूपी कर्मता है रीक साम में। ये सब शास्त्र है, संस्कार में तो शास्त्र ही प्रमाण है। तो ऋग में जो है नक्षत्र की दृष्टि और साम में चंद्रमा की दृष्टि होती है ना। और ऋग रूपी नक्षत्र में स्थित है अधूढ़ है कौन, बोलते साम रूपी चंद्रमा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र का अधिपति ना है चंद्रमा, इसलिए नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति है, यो ही प्राय। यहाँ पर कोई आधार आधी अभाव नहीं है, परंतु नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा होने से नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा, चंद्रमा की स्थिति होगी, यो ही प्राय। और दोनों मिला दिया नक्षत्र और चंद्रमा, बोलते हैं वो नक्षत्र जो है सा और चंद्रमा अम, मिला दिया तो साम हो गया।
अच्छा थोड़ी टीका देखो। कथम पुनर नक्षत्र पर्याये तद एतत एतस्याम आदित्य वाक्यम इत्यादि वाक्यम। तो आपने कहा नक्षत्र का पर्याय का है ना, तभी ये वाक्य कैसे होगा, क्योंकि नहीं नक्षत्रेषु चंद्रमस स्थिति। भाई तो पहले के तो हो जाएगा, पहले जितने भी मंत्र है, क्योंकि वहां पर तो आधार है कि नहीं। जैसे वहां पर कह दिया कि पृथ्वी में ये पृथ्वी और अग्नि दोनों में तो आधार आधे भाव हो जाएगा, पृथ्वी आधार है अग्नि जो आधेय है, तो वहां तो ठीक है आधार आधे भाव तो बनता है। लेकिन नहीं नक्षत्रेषु चंद्रमस स्थिति, नक्षत्र में तो चंद्रमा की स्थिति नहीं होगी है ना, नक्षत्र आधार कैसे होगा चंद्रमा का, ये अभिप्राय। तब उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर आधार आधेय भाव मुख्य नहीं है, गौण हो जाएगा, गौण हो जाएगा। कहते हैं कैसे, नक्षत्राणाम अधिपति, भाष्यकार लिखते हैं नक्षत्रों का अधिपति कौन है, चंद्रमा है ना, अधिपति का ही आधिपत्य रहता है आधार में, है कि नहीं। जहाँ पर जिसकी अधिपति होती है अधिपति वहां पर रहता है, ये कहा जाता है। अतः स साम, ये साम है ना, चंद्रमा है क्या बोलते हैं, अधिपति हो गया और नक्षत्र क्या हो गया, उसका आधार हो गया, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं ना, ठीक है ऐसे ही कर लीजिए। चंद्रमा उसमें स्थिति रहता है क्योंकि अधिपति होने से, इस अभिप्राय से कहा है। अच्छा अतः स सामा कहा, इसके ऊपर थोड़ा देख लो, नक्षत्र अधिपत्या, नक्षत्र का अधिपति है चंद्रमा, इसलिए तत् ऊपरी भाव है ना, क्योंकि अधिपति ऊपर रहता है, अधिपति होने से ऊपर रहता है बोलते हैं, सबसे ऊपर, जैसे अध्यक्ष है, सभा में जितने भी होते हैं सबका के अध्यक्ष हो गया, और अध्यक्ष सबसे ऊपर रहता है, क्या ऊपर थोड़ी बैठता है वो सबके सिर पर, वो भी आसन पर ही बैठता है, थोड़ी सी ऊंची हो कोई बात नहीं, फिर भी सबसे ऊपर कहने का मतलब है ना, तो उसकी अध्यक्षता उसका आधिपत्य होने से, वो अधिक सम्माननीय होने से वो सबसे ऊपर रहता है, जैसे व्यवहार में कहते हो इसी प्रकार चंद्रमा को भी ऊपर रहता है, ये कहा गया। हेतु क्या है, आधिपत्या, ये हेतु है, ऊपर रहने में ऊपरी स्थिति में हेतु है कौन, आधिपत्या, नक्षत्र आधिपत्यात्, नक्षत्र के प्रति चंद्रमा का आधिपत्य होने से तत् ऊपरी भावे न, नक्षत्र के ऊपरी भाव में कौन, चंद्रमा है, चंद्रमस स्थिति ही स्थितेर इति, इस अभिप्राय से अतः शब्दार्थ मंत्र में इसलिए आया अतः, अतः स साम, यहाँ पर जो स दिया है ना, तो स कहने से टीकाकार जोड़ देते हैं, नक्षत्र सहितम चंद्रमसम, नक्षत्र के सही जो चंद्रमा, क्योंकि भाष्य में यह स साम, वह साम है, तो कौन साम है, केवल चंद्रमा अकेला साम नहीं, नक्षत्र के मिलाकर जो चंद्रमा है वो हो गया साम। टीका लिखते हैं नक्षत्र सहितम चंद्रमसम परामृष्टुम स शब्द, इसलिए स परामर्शक हुआ, केवल चंद्रमा का परामर्श नहीं है अपितु नक्षत्र के साथ जो चंद्रमा, ऐसा नक्षत्र सहित चंद्रमा वो है साम, अतः दोनों मिला करके साम है। अच्छा और आगे पंचम मंत्र देखिए, अंगो उपासनानि कानिचित उक्त्वा,
आगे है प्रधान उपासना बतलाई जाएगी षष्ठ मंत्र में। उससे पहले पूर्व में अंगों की उपासना हुई, रीघ है, साम है, ये सब अंगों की उपासना हुई। कुछ अंग उपासना कहने के बाद तादृगेव उसी प्रकार ही उपासनांतरम आह दूसरी की उपासना बताते हैं। अथ यत एतद आदित्यस्य शुक्लं भाः, साएव रेक। अथ यत नीलं परः कृष्णं, तत् साम, तद् एतत् एतस्याम् रुचि अधूरम्, साम तस्मा रुचि अधूरम्, साम गीयते। आदित्य में परमात्मा का चिंतन करना है, ये षष्ठ मंत्र में ये बताई जाएगी। ऐसा जो आदित्य है, जिस आदित्य पुरुष परमात्मा है, हिरण्यमय पुरुष है, ये अगले मंत्र में विधान किया जाएगा। ऐसा जो आदित्य मंडल है, उसमें जो शुक्ल भारूप है, शुक्ल रूप है, वो कौन है? साइब री, वो री क्यों, मतलब डीक में शुक्ल, आदित्य के शुक्ल भाव की दृष्टि करनी है। और अत यद नीलम पर कृष्णम, जो अत्यंत कृष्ण रूप है, निरतिश जो कृष्ण रूप है आदित्य की, नील रूप है, तो उसमें जो है तत्साम, साम की दृष्टि करनी है। और उसी ऋचा में आरो पहले की तरह साम रहता है और साम गान करते हैं, ऋचा में आरूढ़ होकर के साम गान करते हैं। अथ भाष्य में देखिए, थोड़ा सा इससे पहले टीका ले लो। आदित्यस्य मंडलात्मनो, ये तो आदित्य है मंडल, आकाश में आदित्य मंडल है। ऐसा जो आदित्य मंडल है, उस आदित्य मंडल में जो शुक्ल रूप, चमकीला जो रूप है, रूपम शुक्लम दृश्यते, दिखता है, उसकी दृष्टि यहां पर करनी चाहिए। रिचि तदृष्टि ही कर्तव्या, ऐसा क्यों कह रहे? नहीं तो उल्टा भी हो सकता है ना, शुक्ल रूपों में जो है ऋचा की दृष्टि, ऐसा कि ना समझे, बोले ऋचा में जो है वो शुक्ल रूप की दृष्टि करनी है, तो ये भी शुद्ध होगा, अंग का संस्कार होगा पहले की तरह। तदेव रूपम, जो रूप की दृष्टि करनी है वो रूप कैसा है, तो भाष्य का लिखते हैं भा शुक्ला, भाष्य में आया अथ यद एतद आदित्यस्य शुक्लम भाहा, शुक्ला दीप्ति ही, जो चमकीला जो शुक्ल रूप है, साएव रिक, उसकी दृष्टि करनी है ऋचा में। थोड़ी टीका ले लो। ऋचि यथा पूर्वोक्त रूप दृष्टि, ऋचा में जैसे पूर्वोक्त रूप की दृष्टि करते हैं, पूर्वोक्त रूप कौन है? शुक्ल रूप, जो चमकीला जो शुक्ल रूप है, भास्कर शुक्ल कहते हैं ना, चमकीला शुक्ल रूप को कहते हैं भास्कर शुक्ल तर्क संग्रह में, तो ऐसा जो है भास्कर शुक्ल रूप की दृष्टि, उसी प्रकार से तथा सामने मतलब साम में वक्षामाण रूप दृष्टि अनुष्ठेया, अनुष्ठेया मतलब क्या? उपासना, अनुष्ठान यहाँ पर उपासना ही, चिंतन ही। वक्षमाण रूप कौन है? कृष्ण रूप, तो निरति से जो कृष्ण रूप कहेंगे उसकी दृष्टि करनी है, कहाँ पर? साम में। इसलिए कहते हैं भाष्यकर अथ यद आदित्य नीलम परह कृष्णम,
जो आदित्य मंडल में नील पर कृष्ण है, ये मंत्र में आया। इसका अर्थ पर कह दिया ना, अतिशय ना, जो अतिशय जो कृष्ण रूप है उसके दृष्टि करते हैं। तत्साम साम में, अच्छा, लेकिन हम लोगों को तो दिखता नहीं है। जब दिखेगा नहीं तो उसके दृष्टि कैसे करोगे? हम तो केवल चमकीला रूप ही दिखता है, सफेद सफेद दिखता है, कृष्ण रूप तो दिखता ही नहीं आदित्य मंडल में, तो कैसे उपासना करेंगे? ये बोलते हैं, देखो, ननो आदित्य शुक्लवत, आदित्य में जैसे शुक्ल रूप तो दिखता है, लेकिन अनतिशयम कारस्त्यम न अस्माभिर अनुभयते। अनतिशय का अर्थ क्या? न विद्यते अतिशय जस्मान, जिससे कोई अतिशय है ही नहीं उसको यहाँ पर कहला अनतिशय। न अतिशयमिति अनतिशयम, ऐसा नहीं, बहुव्रीहि समास करो। न विद्यते अतिशयम यस्मान, जिससे कोई अतिशय है ही नहीं, ऐसा मतलब निरतिशय। अनतिशय का अर्थ निरतिशय। तो निरतिशय जो कृष्ण रूप होता है वो तो न अस्माभिर अनुभयते, हमको दिखता ही नहीं है, तो फिर जो है उपासना कैसे करेंगे? तत्राह कहते हैं, यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध है तो दिखेगा। ये कह रहे तदि एकांत समाहित दृष्टिर, यदि अत्यंत समाहित दृष्टि है ना? हाँ, इसलिए एकांता समाहित दृष्टि ही यस्य सह एकांत समाहित दृष्टि, जिसकी दृष्टि है ना ये समाहित बिल्कुल अत्यंत अत्यंत चित्त एकाग्र हो। जैसे पाठ में भी देखो, पाठ चलता है तो पंक्ति नहीं मिलती है सबको, कहाँ चल रही है, भाष्य में चल रही है कि टीका में चल रही है, ढूंढना पड़ता है वो तो किसको दिखता है? जिसका चित्त एकाग्र है वो उनको दिखता है, इसलिए बार बार बोलते हैं कभी टीका में देखो, इसलिए बोलना पड़ता है। चित्त एकाग्र करने वालों के लिए तो बोलने की जरूरत नहीं तो इसी प्रकार से चित्त यदि एकाग्र हो तो आदित्य मंडल में कृष्ण रूप दिखता है, ये भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। अथ थोड़ी एक पंक्ति ले लीजिए टीका में, एकांतेना समाहिता। समाहित क्या होता है? समाहित मतलब समाहित तो भाई चोर की भी बुद्धि समाहित होती है पकड़ मारने के लिए। हाँ, एक हमारे महात्मा जी जा रहे थे तो गंगा जी किनारे किनारे, काशी से गंगा जी किनारे किनारे गए, गंगा सागर जा रहे थे पैदल, तो भिक्षा करते जहाँ भूख लगे तो नारायण हरि भिक्षा कर लियो। तो जो है वो बिहार प्रदेश में जब प्रवेश किए तो बंगाल, आगे बंगाल बॉर्डर था, तो वहाँ पर जो भिक्षा मांगे तो भिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है वो चित्त जो है विक्षिप्त हो गया उनका, महात्मा जी का चित्त विक्षिप्त हो गया। तो उसने चिंतन किया भी अभी तक तो कभी ऐसा विक्षिप हुआ ही नहीं चित्त, अभी कैसे हो गया? तो फिर कुछ आगे जाने के बाद जो है वो खेती में, वो किसान थे, खेती कर रहे थे, उनसे पूछा वो कि बात क्या है भी ऐसा ऐसा हुआ मेरा। तो और साधु के मन में आया भाई आसपास तो कोई भी ऐसा गांव है ही नहीं, लेकिन इस गांव में जहाँ देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना। तो वो किसान ने जो है हंसा बोला कि महात्मा जी ये जो गांव है ना ये पॉकेट मार वालों का गांव है। पकड़ मार वालों का गांव मतलब क्या? यहाँ पर ये पैसा ही पकड़ मार है, खानदानी है, ये पहले से चल रहा है, पिता ही पकड़ मार करेगा और बच्चा भी, मतलब क्या वो विद्या जो है ना परंपरा से है ना। हाँ, वो कौन से भगवान से पर चालू हुई पता नहीं, ब्रह्म विद्या तो नारायण से अथवा सदाशिव से वो विद्या का
ऐसे होता है कि नहीं? चलो, तो चित्त एकाग्र तो चोरों का भी हो जाता है, तो ये ऐसा एकाग्र नहीं, शास्त्र संस्कृता बोलते हैं। समाहित का अर्थ क्या है? शास्त्र संस्कृता, मतलब शास्त्रण संस्कृता, यदि शास्त्र संस्कृता, चित्त संस्कृत होना चाहिए किससे? शास्त्र से होना चाहिए, शास्त्र से होना चाहिए। यस्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि शास्त्र से संस्कृत हो गई है ना, तस्य, ऐसा जो उपासक है, संस्कार से युक्त तो दृष्टि वाले उपासक की दृष्टि कैसी होती है? आदित्य में कृष्ण रूप की दृष्टि होती है, वो दिखता है उनको। आदित्य निरतिशयम कार्ष्ण्यम दृश्यते, आदित्य भगवान में जो निरतिशय कृष्ण रूप है वो दिखता है, सबको नहीं दिखता, तात्पर्य हुआ। तथा दृष्टि ही सामने, ऐसा ही सब, ऐसे तो मरण सूचक भी होता है। हाँ, अंतिम काल में जो है ना, तो आप तो दोपहर में सूर्य को देख नहीं सकते, सूर्य को देख नहीं सकते ना, आंख बंद हो जाएगा दोपहर में है। और यदि किसी को ऐसे दिख जाए, ऐसा देखते रहो है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? बस उनका हो गया, हो गया मतलब समय हो गया, राम नाम सत्य होने का समय आ गया, ऐसा शास्त्र में आता है। तो वो तो सबको नहीं होता ना ऐसा, हम तो देख नहीं सकते, हमारे आयु यदि है ना, इसलिए बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, है ना। देख पा रहे मतलब अभी आयु है, हाँ, देख नहीं पा रहे मतलब, देख नहीं पा रहे मतलब क्या है, घबराने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो आदित्य को तो समझ लो कि समय आ गया है ना, शास्त्र में ऐसा है। तो ये तो उपासना का प्रसंग है, तो उपासक को आदित्य का निरतिशय कृष्ण रूप दिखता है। आगे षष्ठ मंत्र है, देखो। अथ यदेव एतद आदित्य है, पहले मंत्र ले ले, मंत्र ले लेते। अथ यदेव एतद आदित्यस्य शुक्लं भाः सैव सा, अथ यन्नीलं परः कृष्णम् तत्मा तत्साम, अथ येषो अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेशः आप्रणखाः सर्वैव सुवर्णः। और देखो, ये है प्रधान उपासना, मुख्य उपासना तो यही है। अथ यदेव आदित्यस्य शुक्लं भा, आदित्य मंडल का जो शुक्ल भास, शुक्ल प्रकाश, सा एव, वो शुक्ल प्रकाश क्या है? वो सा, साम में क्या हो गई? सा है शुक्ल प्रकाश जो है। आज जो नील पर कृष्ण, निरति से जो नील रूप कृष्ण है ना, वो कौन है? अमह, दूसरा भाग हो गया अमह, मिल करके क्या हो गए? तत्साम, दोनों में अभेद है, अभेद मान कर कहा जा रहा है ना। अब है उपासना, देखो मुख्य उपासना यहीं पर। येषो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, तो आदित्य मंडल में जो पुरुष है, कौन सा पुरुष है? बोलते हैं हिरण्मय पुरुष। हिरण्मय पुरुष, मय हिरण है, हिरण्य किसको बोलते हैं? सुवर्ण को। अरे मयट यहाँ पर विकार अर्थ में नहीं, सुवर्ण का विकार है पुरुष, तो उसका क्या चिंता है, वो तो जड़ हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं करना है, लक्षणा करनी है। जैसे सुवर्ण का रूप चमकता है ना, ऐसा चमकीला रूप है परमात्मा का, पुरुष यहाँ पर परमात्मा है, ये विचार ब्रह्मसूत्र में है। तो इसलिए सुवर्ण के सदृश रूप है परमात्मा का, है ना? तो ऐसा जो पुरुष है वो दिखता है, वही परमात्मा है। ये अंतस्त धर्म उपदेशात, ये ब्रह्मसूत्र में आप लोग देख सकते हो, ब्रह्मसूत्र अंतर अधिकरण में आया, अंतस्त धर्म उपदेशात। इसलिए जो है हिरण्य श्मश्रु, उनके जो अश्रु है, अश्रु श्मश्रु, हाँ, वो भी सुवर्ण के चमकले के रूप की तरह, और उनके जो केस है ना, केस, वो केस भी, वो भी चमकीला रूप की तरह है, सुवर्ण के चमकीला रूप की तरह। लोग चमकाते हैं कि नहीं बाल को, है ना? तो यहाँ पर केस कैसा है, चमकीले सुवर्ण की तरह है, और पूरा शरीर उनका ऐसे ही है। आप प्रणखा सर्व एव सुवर्ण, पूरे नाक पर्यंत, है ना, जिसका जो है संपूर्ण अंग नख नीचे तक है, सर्व एव सुवर्ण, सब सोना है, मतलब चमकीले प्रकाश रूप की तरह, सुवर्ण का रूप से चमकीला होता है, उसी बेगो परमात्मा का रूप है। इस बेगो चिंतन करना, वो कौन है, परमात्मा है, ये अधिदेव उपासना हो गई, उसमें परमात्मा की बुद्धि से ये उपासना होती है। क्योंकि इसमें पुरुष शब्द आया, पहले पुरुष हो तो परमात्मा, यहाँ पर वही आदित्य में भी है और सर्वत्र भी है, सबके शरीर में भी वही है, और सबको ये सत्ता दे रहा है, वही सबको सत्ता दे रहा है, वही सबको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसको पुरुष भाष्यकर कहेंगे, पूरी सजना यति पुरुष, और पूरा यति यति पुरुष, ऐसे भी अर्थ करे। अच्छा, अब देखो भाष्य ले रहे, ते एवत एते भाहा शुक्ल कृष्णत्वे, शुक्ल रूप कृष्ण रूप, सा च अमश्च सा मिला दिया, है ना, शुक्ल रूप कौन है, सा है, और जो है कृष्ण रूप अम है, मिल करके साम है। अंग उपासनानी समाप्य, ये देखो यहाँ तक ये अंग की उपासना हो गई, समापन करके अनंतरम आदिदेवी किम, आदिदेवी की उपासना है, आदिदेवी की उपासना प्रधान उपासना है, आगे एक उपासना बताएंगे अध्यात्म उपासना, तो ये मुख्य उपासना है। आदिदेवी किम प्रधान उपासना विवक्षु हो, प्रधान उपासना को कहना चाहते हैं, है ना? इसलिए सबसे पहले उपास्य स्वरूपम उपन्यस्यते, जिसकी उपासना करते हैं उसको बोलते हैं उपास्य, फिर उपास्य का स्वरूप कहाँ से कहा, वही अत यत नीलम पर कृष्ण, कहाँ से, हाँ ठीक है, अथ नहीं वहाँ से, य ऐसो अथ य ऐसो अंतरादित्य, वहाँ से लीजिएगा भाष्य में देखो, अथ नहीं मंत्र में, अथ य ऐसो अंतर आदित्य हिरण्य पुरुष, यहाँ से उपास्य का स्वरूप बता रहा है, और उससे पहले अंग उपासना हुई, है ना? इस प्रकार समझ करके रखिएगा। देखो भाष्य में, अथ य ऐसो अंतर आदित्य, मतलब आदित्यस्य अंतर मध्ये, आदित्य के अंतर मध्य में, अंतर्गत मध्य, मध्य में हिरणमयो, हिरणमय है शब्द, इसका अर्थ कर रहे हैं। देखो कहते हैं कि हिरणमय इव हिरणमय है ना, तो सुवर्ण का जैसा रूप, चमकीला रूप, ऐसा रूप है आदित्य पुरुष का, ये चिंतन करना है, विकार अर्थ में मयट नहीं करना है। मयट जैसे अन्नमय होता है वो तो विकार अर्थ में बोलता है,
कहीं स्वरूप अर्थ में भी होता है, लेकिन यहाँ पर विकार आदि नहीं लेना है, लक्षणा से लीजिए। हिरण्मय मयट प्रत्यय होता है, शब्द होता है हिरण्य, हिरण्य शब्द होता है हिरण्य हिरण्य, ठीक है। हिरण्य से क्या प्रत्यय करो, मयट प्रत्यय करो, मयट मयट का रहेगा मय, समझ में ना। और न के बाद जो य है ना, य का लोप कर दो, दंडा दंडिना या ना, हाँ ऐसा एक सूत्र है, उस सूत्र से न के बाद जो य है ना, य का लोप कर देंगे तो क्या होगा, हिरण, समझ में आया नहीं आया। शब्द हो गए हिरण्या, मूल शब्द होते हिरण्या, य है य पूरा हिरण्या, आगे क्या प्रत्यय हो गया, मयट, तो मयट हो गया ना, मयट का रहेगा मय, और न के बाद क्या शब्द है, य, य का लोप कर दो तो क्या बनेगा, हाँ हिरणमय, हिरणमय शब्द होता है। तो यहाँ पर विकार अर्थ में नहीं लेना चाहिए, ये टीकाकार बताएंगे, शंका फिर समाधान भी किया जाएगा, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो भगवन्तो पुनः मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्यात् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।